हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मजाक रात। यासिर साहब, सुना है कि फिल्म की तरफ भी आपका प्रोग्राम बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है। ये क्या है बताइए ना। मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम एक टेलीफिल्म सीरीज शुरू कर रहे हैं कि एक हम लंदन में बनाएंगे, एक न्यूयॉर्क में बनाएंगे, एक स्पेन में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैं। जिस तरह मेरी टेलीफिल्म सीरीज आती थी उसी तरह अब ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। वैसे एक बड़ी कमाल बात है, आपकी कजन है महरीन जब्बार। जी ये वैसे बड़ी एक टैलेंटेड फैमिली है। महरीन जब्बार भी एक जबरदस्त पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स और यासिर भी डायरेक्टर, और दोनों ही कजन जो है वो पाकिस्तान से बाहर शूट करने के माहिर बनते जा रहे हैं। असल में हम लोग साथ ही पले बढ़े, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम लोग छोटे से होते थे जब वहाँ क्लाइंट सर्विस। हर काम तो छोटे ने किया है। मैंने कहीं ये भी सुना कि हुमायूं सईद को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी आप हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन जिस तरह अमिताभ को एक करियर में ब्रेक मिली थी जंजीर फिल्म से, उसी तरह हुमायूं सईद को जहर से, जो मेरी टेलीफिल्म थी जहर, उनका एक बहुत ही मेमोरेबल प्ले था बड़ा, जो लोगों ने उसके बाद उनको फिल्म्स में ऑफर आई थी, इंतहा, समीना पीजा, इंतहा उन्होंने की थी। हाँ, उसके फौरन बाद। तो अब so, कैसा लगता है वैसे आपको जो आप देखते हैं आपके और शमून भी गालिबन उस जमाने में? शमून पहला मेरा मेरी प्रोजेक्ट में आया था, शमून अब्बासी, जवेरिया अब्बासी, बल्कि निदा यासिर जो है, ये निदा यासिर भी आप, मेरा घर एक वर्लपूल है, मेरा घर एक वर्लपूल। अच्छा, तो यानी कि निदा यासिर आज जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल टीवी होस्ट है हमारी, और उसके अलावा एमसीसी में शहजाद रॉय को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, नजम शराज को, कोमल रिजवी को, ये सारे एमसीसी में हम इनके म्यूजिक वीडियोज बनाते थे पहले पहले। कोमल रिजवी को भी आपने? जी, कोमल रिजवी के जो पहले चार वीडियोज हैं वो। तो कभी अब आप अकेले बैठ के सोचते हैं कि मैंने क्या किया इन लोगों के साथ? मगर जो बेसिक गेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपको बड़ा, जिसे कहते पहली बार सही मायनों में हिट किया, वो था जब आपने एरिड जोन जी हाँ इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे अभी तक याद है म्यूजिक चैनल चार्ट्स के अंदर गाना आया था एरिड जोन का, वो मैं बनाता था म्यूजिक चैनल। बिल्कुल, आप बनाते भी थे और आपने उस जमाने में एरिड जोन का वो गाना, जो पहला गाना आप लोगों का था गालिबन, वो अब कभी तो होगा मेरा मिलन। बिल्कुल, ये बड़ा हमें याद है, उस जमाने में बड़ा शौक से देखते थे। क्या ख्याल है, थोड़ा सा कभी तो होगा मेरा मिलन अगर हम सुना के इनको याद कराएं कि ये गाना कई बच्चों ने सुना होगा। कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा, रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे, कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा, रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे, कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा। ओहो, रेडी वन टू थ्री फोर, जांजने जनाक तीन, जांजने जनाक तीन, तागड़ी 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 आ कर दी ना, मी आप दरों ने गोली, ओह यस, चौकस ऑफ द ईयर। आज पाटा विराट का कम से कम पौने दो घंटे बेइज्जत होया। वाह वाह, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक, क्या बात है। हालांकि मैं अदारे का फायदा सोचा, लेकिन मेरे गल पै गया। वो कैसे? देखो ना जी, अजकल थाने दे विच एडे जुर्म ते हो नहीं रहे, हालात ठीक हो गए ने। अच्छा, ते कल दी गल है आयरोनोकली। कौन सा कली? आयरोनोकली। आयरोनोकली? हां जी, तुमने बोल ही दिया। मैं 150 बारी याद किया ते तां मैनू आया, थाने मेरे पर खाली पाए। अच्छा, और मोहल्ले दे विच शादी सी, उन्होंने बेचारे नु हाल लभे ही कोई नहीं, क्योंकि अजकल सीजन है ना शादियां दा। बिल्कुल, और मैं अपने अदारे नु मजबूत करने की खातर मैं कहा तुसी थाने शादी कर लो। हाँ, पहला तो है सी, बच्चा कोई है नहीं सी, दो साड़ी हवालदार सन, एक सिपाही ते एक मैं। अच्छा, एडा वड्डा थाना, मैं गया इत्थे रोटी कर लो। तुमने थाना ही किराए पे दे दिया? 80,000 रुपया तो मेरी गल मुक गई, 80,000 रुपया। मैं कह तुसी कैश देना मन गए,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਲੋ ਮੋਹਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਫੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਅਬੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਟੈਪ ਨੇ, ਯੈਸ ਸ਼ਕਲ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਡਾਲਾ, ਓਏ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਾ ਕਿਉਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 3 ਕਮਰੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਆਪ ਉਸ ਕੋ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਓ ਯਾਸਰ, ਯਾਸਰ ਹੁਸੈਨ, ਯਾਸਰ ਅਖਤਰ, ਯਾਸਰ ਅਖਤਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਲਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ, ਮਾਬਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਕੁਬਰਾ ਖਾਨ ਔਰ ਸੋਫੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਸੋਫੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1-5 ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਮੁਸਬੰਦ ਦੇ ਗਿਆ। ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ یاسر صاحب، تو نے ایک فلم کی طرف بھی آپ کا پروگرام بن رہا ہے۔ جی بالکل بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے بتائیے نا؟ میرا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم ایک ٹیلی فلم سیریز شروع کر رہے ہیں، کہ ایک ہم لندن میں بنائیں گے، ایک نیو یارک میں بنائیں گے، ایک اسپین میں، مطلب ڈفرنٹ کنٹریز جو ہیں۔ جس طرح میری ایک ٹیلی فلم سیریز آتی تھی، اسی طرح اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ ویسے ایک بڑی کمال بات ہے، آپ کی کزن ہے مہرین جبار۔ جی یہ ویسے بڑی ایک ٹیلنٹڈ فیملی ہے، مہرین جبار بھی ایک زبردست پاکستان کی ون آف دا بیسٹ ڈائریکٹرز، اور یاسر بھی ڈائریکٹر، اور دونوں ہی کزن جو ہیں وہ پاکستان سے باہر شوٹ کرنے کے ماہر بنتے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ ساتھ ہی پلے بڑھے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہم لوگ چھوٹے سے ہوتے تھے، جب وہاں کلائنٹ سروس، ہر کام تو چھوٹے ہوں نے کیتا ہے۔ کہ میں نے کہیں یہ بھی سنے کہ ہمایوں سعید کو انٹروڈیوس کرانے والے بھی آپ ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا انٹروڈیوس کرایا تھا، لیکن جس طرح امیتابھ کو ایک کیریئر میں بریک ملی تھی زنجیر فلم سے، اسی طرح ہمایوں سعید کو زہر سے، جو میری ٹیلی فلم تھی زہر، ان کا ایک بہت ہی میموریبل پلے تھا، بڑا جو لوگوں نے اس کے بعد ان کو فلمز میں آفر آئی تھی، انتہا سمینہ پیزا، انتہا انہوں نے کی تھی اس کے فوراً بعد۔ تو اب کیسا لگتا ہے ویسے آپ کو جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے اور شمون بھی غالباً اس زمانے میں؟ شمون پہلا میرا میری پروجیکٹ میں آیا تھا، شمون عباسی، جویری عباسی، بلکہ ندا یاسر جو ہیں، یہ ندا یاسر بھی آپ، میرا گھر ایک ورلڈ پول، وہ ہے میرا گھر ایک ورلڈ پول۔ اچھا، تو یعنی کہ ندا یاسر آج جو کہ ون آف دا موسٹ پاپولر اینڈ سکسیسفل ٹی وی ہوسٹ ہیں ہماری، اور اس کے علاوہ ایم سی سی میں شہزاد روئے کو میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، نجم شراز کو، کومل رضوی کو، یہ سارے ایم سی سی میں ہم ان کے میوزک ویڈیوز بناتے تھے پہلے۔ کومل رضوی کو بھی آپ نے؟ جی، کومل رضوی کے جو پہلے 4 ویڈیوز ہیں وہ میں۔ تو کبھی اب آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ مگر جو بیسک فیم، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو آپ کو بڑا جسے کہتے پہلی بار صحیح معنوں میں ہٹ کیا، وہ تھا جب آپ نے ایرڈ زون، جی ہاں، انٹروڈیوس ہوا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میوزک چینل چارٹس کے اندر گانا آیا تھا ایرڈ زون کا، وہ میں بناتا تھا میوزک چینل۔ بالکل، آپ بناتے بھی تھے، اور آپ نے اس زمانے میں ایرڈ زون کا وہ گانا، جو پہلا گانا آپ لوگوں کا تھا غالباً، وہ اب کبھی تو ہوگا میرا ملن، بالکل یہ بڑا ہمیں یاد ہے، اس زمانے میں بڑا شوق سے دیکھتے تھے۔ کیا خیال ہے، تھوڑا سا کبھی تو ہوگا میرا ملن اگر ہم سنا کے ان کو یاد کرائیں کہ یہ گانا بچوں میں سنا ہوگا؟ کبھی تو ہوگا
मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा। रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे, कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा। रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे, कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा। रेडी वन, रेडी वन, रेडी वन, टू थ्री फोर। जानने जनक दिन, जानने जनक दिन, तागड़ी 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 आ कर दिन ना मियां जरा निर्गोली। ओह यस, चौको सौ दे। आज पाटा विराट कम से कम पौने दो घंटे बेइज्जत होया। वाह वाह, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। क्या बात है। हालांकि मैं अदारे का फायदा सोचा, लेकिन मेरे गल पै गया। वो कैसे? देखो ना जी, अजकल थाने दे विच एडे जुर्म ते हो नहीं रहे, हालात ठीक हो गए ने। अच्छा, ते कल दी गल है आयरोनोकली। कौन सा कली? आयरोनोकली। आयरोनोकली? हां जी, तुमने बोल ही दिया। मैं 150 बार याद किया ते तां मैनू आया। थाने बिल्कुल खाली पाए। अच्छा, और मोहल्ले शादी सी, उन्होंने बेचारे हाल लभे कोई नहीं, क्योंकि अजकल सीधन ने शादियां दा। बिल्कुल। ओ, मैं अपने अदारे मजबूत करने की खातर मैं क्या तुम थाने शादी कर लो। हाँ, पहला तो है सी, बच्चा कोई है नहीं सी, दो साड़ी हवालदार सन, एक सिपाही ते एक मैं। अच्छा, एडा वड्डा थाना। मैं क्या इतने रोटी कर लो। तुमने थाना ही किराए पे दे दिया 80,000 रुपया? तो मेरी गल मुक गई। 80,000 रुपया मैं क्या तुम कैश देना? मन गए। उन्हें क्या सानू तो सस्ता पै रहा। उन्होंने 80,000 रुपया दिता। मैं तुम्हें पता भी बेईमानी तो करता नहीं। बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल 80,000 रुपया लैके मैं पूरी ईमानदारी 20,000 रुपया जमा कराया। अच्छा, उन्होंने किसी बंदे ने जाकर दस दिता एस पी साहब ने भी, असं 1,20,000 रुपया दिता। बहुत अच्छे। बस फिर मैं जाके एस पी साहब के पेश होया। अल्लाह उन्होंने की जिंदगी करे। पौने दो घंटे बेइज्जती की ने। ये तो तुम्हारी बनती। अच्छा, मैं नहीं मुंह लाया, आपे बेइज्जती बूस्ती करके गए। मेरे मेहमान आए। माशाल्लाह। ओ यार, बड़े अरसे तो मेरा दिल करता सी मैं इन्होंने मिला, लेकिन आज मैं तोड़ा खैर खांग भी तुसी बुला लिया इन्होंने। तुम मैं सलो मोहत में जुल्फकार मिर्जा साहब। आई एम सॉरी अबाउट दैट। इन्हें अपना मिर्जा रशीद अख्तर साहब की फौत हो गए। इन्हें अपना सोफिया मिर्जा जी, जी। चलो एडी मालूमात जी, मैं कहना लै दे गए हो ते नमक कुक रखे ने। अबे खुदा का खौफ कर, मेहमान है हमारे। इन गेस्ट ने जी कोई फनकार टाइप? यस, शक्ल उतनी लग रही। और तो देखो इंग्लैंड तो आए ने। हाँ, डाला वो डाला नहीं, डाला क्यों? अल्लाह दिया बंदे इन लै गए थाने ते पाउंड मिलने। मेहमान है यार, ऐसे नहीं। हाँ नहीं, मेहमान और तुम पहचानने की कोशिश करो। मैं देखे माशाल्लाह, बड़ा बड़ा मुंह है भाई यार। माशाल्लाह, जिदा बड़ा मुंह, एडा मुंह मेरा होंगे ना, मैं तीन कमरे पा लेने से। आप उसको थोड़े बताए बंदे कौन है? इन्हें अपना कौन है तू? ओ यासर, यासर हुसैन, यासर अख्तर, यासर अख्तर। माशाल्लाह, सिर विड्डा सरदारा दा ते तुहाडा मुंह इंज जिवें पेड़े बनाउण वाला फट्टा होंदा। इजाजत है सर, प्लीज आ आप बड़ी तो तुसी बना खड़ा हो जाओ या बैठो? नहीं नहीं, बैठ जाओ। नहीं नहीं, तुसी ऐसे लेट जाओ। आप इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं आयशा खान, मावरा हुसैन, कुबरा खान और सोफिया मिर्जा। सोफिया मिर्जा जेड़ा मैं 1-5 लिया, मैं ही करा बाद मुझ बंद हो गया।